देखिए मैं यहाँ लगी हुई हूँ फूल तोड़ने में, और काफ़ी फूल आज जो है हमारे जो ये गुड़हल का फूल है ना, इसमें काफ़ी फूल आज लगे हुए थे। कभी कभी होता है बहुत ज़्यादा लगे हुए रहते हैं, कभी कभी होता है बहुत कम लगे हुए रहते हैं, और कभी कभी ऐसा होता है जब मैं नहीं तोड़ती हूँ ना तो दूसरे आके तोड़ लेते हैं और फिर मेरे ही घर में पूजा के लिए फूल नहीं रहता। तो आज मैंने देखा चलो बहुत ज़्यादा है तो मैं तोड़ लेती हूँ पहले, और बाहर जो है ना जो पीला वाला फूल होता है कनेल का, वो भी मैं लगाई हुई हूँ तो उसमें से भी तोड़ लूँगी। और मैं अभी जस्ट आई हूँ वर्क करके, तो करीब मुझे लगता है 1 घंटा मैं जो है वर्क करके आई हूँ, यानी 5:30 बजे मैं उठ गई थी और फूल तोड़ के एंजल को दे दिया है। अब सारे प्लांट पे दे दूँगी पानी, उसके बाद बनाऊँगी खाना। तो आज जो है स्पेशल रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, बड़ी जो मैंने बनाई थी ना वो आप लोगों के साथ उसकी सब्जी रेसिपी जो है मैं शेयर करूँगी, कैसे मैं बनाती हूँ बैंगन के साथ। तो बने रहिएगा ज़रूर और फुल वॉच करके जाइएगा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर में। स्वागत है आप लोगों का एक नए ब्लॉग में। तो आज की जो मैंने शुरुआत बहुत पहले ही कर दी है, कम से कम है ना 15 मिनट जो है वॉक करके आई हूँ, और इसके बाद पौधों में पानी डाला है, पूजा के लिए फूल तोड़ा है जो कि आप सबने पहले ही देख लिया है, और आज मैं बनाऊंगी बैगन और बड़ी वाली सब्जी जो मुझे बहुत ज़रूरत है आपके साथ शेयर करने की, क्योंकि बड़ी की रेसिपी जो है मैंने आपके साथ शेयर की थी। तो प्लीज़ वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल बटन हिट कर दीजिएगा ताकि कोई भी ब्लॉग एंड वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए मैं जो है यहाँ कर रही हूँ तैयारी, और आज जो मैं बड़ी वाली सब्जी बनाऊँगी वो बैगन में डाल के बनाऊँगी। ज़्यादातर हमारे यहाँ जो होता है ना गांव में बड़ी बैगन के साथ ही बनाई जाती है, मगर आपके पास सब्जी नहीं है तो वो आलू के साथ भी आप बना सकते हो, कद्दू में भी डाल के बना सकते हो, मगर मैं जो है बैगन वाली ही ज़्यादा बनाती हूँ और आपके साथ शेयर भी कर रही हूँ। और साथ में देखिए एंजल जो है आलू छीलने के बजाय आधा आलू जो है बर्बाद कर रही है, इसको ना बहुत शौक़ लगता है, और अभिनव के वो भी ऐसे ही होता था, कोई भी चीज़ का बहुत शौक़ लगता था, मगर अब धीरे धीरे जब वो बनाने लगा है तो जब भी कोई चीज़ बोलिए ना जो आप चाय बना लो तो उसे बहुत ये लगता है, चाहे कुछ काम कर लो चाहे रोटियां बना लो थोड़ा सा, क्योंकि बच्चों को ये सब थोड़ा थोड़ा सिखाना ज़रूरी होता है, ख़ास करके लड़कों को, क्योंकि वो बाहर जाते हैं तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है खाने की। तो बच्चों को ना थोड़ा थोड़ा जो है ख़ास करके लड़कों को सिखाना चाहिए, लड़कियाँ तो सीख ही लेती हैं मगर लड़कों को भी आनी चाहिए। तो मैं यहाँ सब्जी जो है बैंगन और आलू काट लूँगी, बड़ी जो है मैं इसमें डालूँगी, उसके साथ जो है टमाटर धनिया और अदरक लहसुन का जो कूटदानी होता है ना उसमें मैं कूट लूँगी, और फ़ौरन में आपका पड़ेगा सरसों, क्योंकि इसमें ना बड़ी और आलू वाली सब्जी में ना सरसों का ही फ़ौरन डालेंगे तो बहुत अच्छा लगता है। और ज़्यादा कुछ नहीं, मिक्स मसाला, हल्दी पाउडर, मिर्च पाउडर और अदरक लहसुन का जो है कूटा हुआ कूटदानी में, उसके बाद हरा धनिया, टमाटर।
देखिए फ्रेंड्स, अब जो है मैं ना गैस चूल्हा नीचे उतार चुकी हूँ और अब इस पे मैंने कढ़ाई चढ़ा के और एक चम्मच से दो चम्मच तेल मैंने इसमें डाला है। और ये है हमारी बड़ियाँ, देखिए बहुत कम डाला है मगर इसी के कारण जो है आपका सब्जी का स्वाद जो है काफ़ी निखर के आता है। तो मैं इसे फ्राई कर ले रही हूँ, थोड़ा सा देखिए ब्राउन ब्राउन हो गया हल्का सा। अब जो है इसे मैं निकालूंगी प्लेट में, और वैसे तो कढ़ाई में भी बना सकते हैं मगर कुकर वाली सब्जी जो होती है ना, बड़ी वाली और बैंगन वाली, बहुत अच्छी लगती है। तो आज मैं कुकर में ही बनाऊँगी और आपके साथ कुकर में ही शेयर करूँगी। और उस टाइम तो हस्बैंड नहीं आए हुए थे मगर अब जो है ये नाइट ड्यूटी से आ गए हैं और साथ में ही बैठे हुए हैं, तो कुछ कुछ बोल रहे हैं। तो होता है ना, ऐसे खाना बनाने में बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने कुकर बैठा लिया है, 4 से 5 चम्मच जो है सरसों का तेल डाला है। उसके बाद उसमें आपको मैंने बताया ना, जो सरसों डालेंगी थोड़ा सा, उसके बाद सरसों चटक जाएगी तो आपको सिंपल सी जो है सब्जी डाल देनी है डायरेक्ट, इसमें कोई आपका फ़ौरन कुछ नहीं जाएगा। तो मैं यहाँ डाल दे रही हूँ सरसों। तो फ़ौरन जो है सरसों डालने के बाद जो है मैंने सब्जी डाल दी है, और उसके बाद थोड़ा सा चलाने के बाद मैंने ढक दिया था। अब मैं इसमें डालूंगी अदरक और लहसुन का जो कूटदानी में ना कूट के रखा था मैंने, वो मैं डालूंगी। उसके बाद थोड़ा सा इसे फिर चलाऊंगी और उसके बाद सारे मसाले मैं ऐड करूँगी। और मसाला आप अपने सब्जी के अकॉर्डिंग दीजिएगा, मतलब आपका जितना सब्जी है उस अनुसार दीजिएगा। तो मैं 5 से 6 व्यक्ति के लिए सब्जी बना रही हूँ, तो उसमें मैं डालूंगी आप स्वाद अनुसार नमक, आप जैसा खाते हो नमक। और उसके बाद डालूंगी 1 से 1.5 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच मिक्स मसाला और 1 चम्मच जो है मिर्च मसाला डालूंगी। थोड़ा सा उसे फिर से चलाऊंगी, उसके बाद थोड़ा सा ढक के और 5 मिनट बाद मैं टमाटर और धनिया डाल दूँगी, थोड़ा फ्राई करूँगी। फिर डालूँगी मैं बड़ी, उसको थोड़ा सा फिर फ्राई करूँगी। उसके बाद जब अच्छी तरह से फ्राई हो जाएगा उसके बाद डाल दूँगी पानी। तो देखिए मैं सारे मसाले जो है अभी ऐड कर रही हूँ। तो मैं लो बताना ही भूल गई, बढ़िया जो होती है ना उसे आप 2 टुकड़ों में टुकड़े कर लीजिएगा, ताकि वो जो है ना बहुत बड़े बड़े हो जाएंगे फूल के तो अच्छे नहीं लगेंगे, और बीच से आप तोड़ दोगे ना तो बहुत अच्छा लगेगा। तो मैं यहाँ तोड़ के डाल रही हूँ। और देखिए ऑलमोस्ट जो है सब्जी हो भी गई है फ्राई। अब मैं इसमें डालूँगी पानी थोड़ा सा, थोड़ा सा और फ्राई होगा, थोड़ा सा फ्राई होने के बाद ना उसमें पानी डालूँगी। फ्राई करने का तरीका आपका ये है कि सब्जी जो है ना हल्का सा रेडनेस आना चाहिए आपका सब्जी में, तो ब्राउन बोले या रेडनेस बोले तब आपका सब्जी जो है बहुत टेस्टी बनता है। और देखिए बन ही चुका है, बस थोड़ा सा मैं इसको ये करूँगी, उसके बाद डाल दूँगी पानी। फ्रेंड्स यहाँ पानी डल गई है और सब्जी का कलर आप लोग देख सकते हैं बहुत अच्छी लग रही है। कभी कभी होता है ना, हम लोग बोलते हैं अरे उनका हाथ का तो सब्जी बहुत अच्छा है, तो
सब्जी जो है ना बनाने का तरीका होता है और पेशेंस होना चाहिए, मतलब धीरे धीरे आराम से प्यार से हर चीज़ बनाने का। तो देखिए सीटियाँ लग गई है, 4 से 5 सीटी मारेगा और उसके बाद देखिए ये सब्जी बन गई है, कितना यम्मी लग रहा है। तो उम्मीद है आज की रेसिपी आपको बहुत अच्छी लगी होगी, प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा, बने रहिएगा मेरे साथ। मिलते हैं आप लोगों से अगले ब्लॉग एंड वीडियोज़ में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, बाय बाय।